तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हां, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी, पूर्व अध्यक्ष वो रह चुके हैं और आपको बता दें कि वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लग सकता है। लगातार 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश पचौरी रहे हैं और अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं सुरेश पचौरी। केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री वो रह चुके हैं। 1972 में भारतीय युवा कांग्रेस के मेंबर भी वो बने। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तौर पर राजनीति में एंट्री उन्होंने की। 1981-83 तक एमपी युवा कांग्रेस में भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। 1984 में राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। 1990, 1996 और 2002 में फिर राज्यसभा में मेंबर बने। केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। 2008 से 2011 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुरेश पचौरी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग सकता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। 1972 में भारतीय युवा कांग्रेस के मेंबर बने, यानी कि 1972 में उन्होंने सदस्यता ली थी कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। हालांकि एक और नाम जरूर कांग्रेस से सामने आ रहा है और लेकिन जो पहला नाम सामने आया है वो सुरेश पचौरी का सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और ऐसे में अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो देखिए ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। ऐसे में लगातार यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर भी जारी है। तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं और ऐसे में नाराजगी भी हालांकि देखने को मिल रही है नेताओं के बीच में, लेकिन एक पार्टी की जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि जो उनके बीच में मनमुटाव हो रहा है और सदस्यों में जो मनमुटाव हो रहा है उसको दूर किया जाए। लेकिन ऐसे में अगर दूर नहीं किया जाता है तो वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं। लेकिन अब देखिए सुरेश पचौरी की क्या वजह मानी जा रही है बीजेपी में शामिल होने की, जो कि वो बताया जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर है, देखिए आपको बता दें कि सुरेश पचौरी ये शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तो समय निर्धारित नहीं किया गया है कि कब शामिल होंगे, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आज ही शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारत कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। न सिर्फ सुरेश पचौरी बल्कि अंजलि, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आज। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी धार से हैं और लगातार 4 बार सांसद रहे हैं सुरेश पचौरी। और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस रणनीति बना रही थी, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। और इससे पहले तमाम दिग्गज जो कांग्रेस के नेता है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता को साथ रहे हैं, युवाओं को साथ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता, एक से एक सियासी दिग्गज उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी को बढ़त तो मिलेगी लेकिन झटका कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक लगातार मिलता नजर आ रहा है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का नाम भी प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है। धार से सांसद रहे हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, मध्य प्रदेश धार से। तो ऐसे में खबर यह भी है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और सुरेश पचौरी को लेकर भी खबर आ रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यूपीए की सरकार में, लेकिन पार्टी से अचानक से नाराजगी की खबरें सामने आई हैं और सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो आज ही बीजेपी का दामन थाम लें तमाम बीजेपी दिग्गजों की मौजूदगी में। तो पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तो ये 2 नाम सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जैसा कि जिक्र शिवम ने किया कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके ही खेमे में उनके जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो यानी कि कुछ ठीक यहां पर चल नहीं रहा है, मनमुटाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर ही जो सियासी चेहरे हैं वो सूत्रों की अंजलि माने तो सुरेश पचौरी की बीजेपी नेताओं से बातचीत भी चल रही थी
अब वे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस के दोनों नेता भाजपा की सदस्यता लेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सुरेश पचौरी का कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर क्या रहा है, वो भी दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। देखिए, 1981 से 83 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, 1984 से लेकर 1985 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1985 से 88 तक भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, 1984 से 1990 तक संसद सदस्य रहे राज्यसभा से, 1990 में गृह एवं रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे यूपीए सरकार में, 1990 से 1996 तक राज्यसभा सांसद, 1995 से 1996 तक केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री रहे, 1996 से 2002 तक राज्यसभा सांसद रहे, साल 2000 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष रहे पैनल पर, 2002 से 2008 तक राज्यसभा सांसद, 2004 में मुख्य सचेतक राज्यसभा, 2004 से 2008 कार्मिक लोक शिकायत पेंशन और संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, और 2008 से 2011 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल शर्मा, अतुल, खबर आ रही है कि सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा में जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अंदर खाने की खबर यही है, और ये जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब से कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर में सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और उसमें इनके साथ में गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से एक पूरी खबर है, हालांकि लेकिन देखिए जिस तरीके से खबर है, कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम है कांग्रेस के अंदर और लंबा सियासी इतिहास रहा है कांग्रेस के अंदर। कई गद्दावर पद पे रहे हैं, कई बड़े पद पे रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उसके साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ छात्र संगठन सहित युवा कांग्रेस के भी कई बड़े पद जो है सुरेश पचौरी के नाम रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, और लोकसभा चुनाव के दौरान चूंकि देखिए जिस तरीके से माना जा रहा था कि सुरेश पचौरी लंबे समय से जो है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उसके पीछे कई वजह बताई जा रही थी, लेकिन ये तस्वीर तब स्पष्ट होती है जब मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही थी और उस दौरान राहुल गांधी की यात्रा में सुरेश पचौरी शामिल नहीं होते हैं। उस समय से ही सुपुहाट चालू हो गई थी और जिस तरीके से ये माना जा रहा था, ये जानकारी मिल रही थी कि सुरेश पचौरी उस दौरान दिल्ली में थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। सुरेश पचौरी और राजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के अलावा अतुल क्या और भी नाम है इसमें शामिल फेहरिस्त में जो आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं? बिल्कुल शिवम, क्योंकि देखिए ये दोनों जो नाम है ये काफी गंभीर और बड़े नाम है, और जब एक हद्दावर नेता जब पार्टी छोड़ता है तो उनके साथ कई जो समर्थक हैं वो भी जो अपने नेता के साथ चले जाते हैं। हमने ये देखा है ज्योतिराज सिंधिया के दौरान, उस दौर में भी किस तरीके से तमाम बड़े नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा था। बहरहाल तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कौन कौन से वो समर्थक रहेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अतुल, चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि टिकट नहीं मिलने की वजह से जो गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी हैं वो नाराज चल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा भी कमलनाथ को सौंप दिया था, लेकिन बाद में फिर उनकी मुलाकात कमलनाथ से होती है, इस्तीफा वो वापस ले लेते हैं। ये तो बहुत पहले से कांग्रेस को पता था कि नाराजगी चल रही है, तो उस नाराजगी को दूर करने का काम क्यों नहीं हुआ? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से नाराजगी का लंबा दौर चल रहा था और दौर के दौरान ये मान के चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंदर खाने से मनाने की कोशिश की गई, तमाम बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मनाने में जुट गए थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने जो है अभी कांग्रेस को दामन नहीं छोड़ा। सुरेश पचौरी काफी चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से सियासी जो उनका जीवन रहा है और कहीं ना कहीं संजय शुक्ला, बिसाऊ लाल, ये तमाम नाम भी हैं जो इसमें तैर रहे हैं इस्तीफा देने की लिस्ट में। अतुल, नाम कौन कौन से, एक बार आपको पता चल रहा है तो प्लीज एक बार बताइए। देखिए शिवम, इस समय ये कहना कि कौन कौन उसके साथ इस्तीफा दे रहे हैं, देखिए क्योंकि कई बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी के समर्थक रहे हैं और उनके साथ अब से कुछ देर बाद तस्वीर भी स्पष्ट होगी, क्योंकि वो पहुंचने वाले हैं और तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी यानी कि बीजेपी प्रदेश बीडी शर्मा, ये तमाम जो लोग बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए सुरेश पचौरी के साथ कौन से चेहरे रहेंगे ये अभी कह पाना स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरी मीटिंग रही और मीटिंग के बाद जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामने की चर्चाएं चल रही हैं उससे बात ये स्पष्ट हो रही, काफी गोपनीय तरीके से
सुरेश पचौरी बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनसे मिले हैं, और उसके बाद ये कोशिश की गई कि बीजेपी के दामन, क्योंकि देखिए मान के ये चला जा रहा था कि क्योंकि सुरेश पचौरी कैसे कद्दावर नेता है कि अगर वो दामन थामेंगे तो दिल्ली से ही थामेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय यानी कि मध्यप्रदेश मुख्यालय में वो बीजेपी के दामन थामने जा रहे हैं, तो एक बड़ा जो है झटका इसको हम कह सकते हैं जो है शुभम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अतुल, कितने लंबे समय से बातचीत इनकी हो रही थी बीजेपी में नेताओं की, और अगर बातचीत हो रही थी, चूंकि सवाल मेरा वही है कि क्या इसकी भनक फिर कांग्रेस को नहीं थी, कमलनाथ को भनक नहीं थी, दिग्विजय सिंह जो कि बड़े चेहरे हैं, क्या उनको भनक नहीं लगी कि बातचीत हो रही है, या फिर अंदर अंदर खाने में ही ऐसी हलचलें पैदा हो रही हैं? देखिए नाराजगी का दौर ये सब शुरू हुआ जब विधानसभा चुनाव थे, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गजेंद्र सिंह की बात करें या सुरेश पचौरी की बात करें, ये भी विधानसभा चुनाव लड़ने के कहीं ना कहीं इच्छुक थे, मंशा उनकी थी कि चुनाव लड़ें, और चुनाव के बाद लेकिन किस तरीके से टिकट उनको नहीं दिया गया और उसके बाद से ये नाराजगी का दौर शुरू हो गए थे। देखिए सुरेश पचौरी इस समय जो है पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें शुरू हो चुकी सुरेश पचौरी यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ग्वालियर से, विनोद का रुख करेंगे। विनोद देखिए, सुरेश पचौरी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और खबर यह है कि सुरेश पचौरी के साथ साथ कई सियासी दिग्गज हैं आएंगे। देखिए सुरेश पचौरी पहुंचे हुए हैं, हमारे संवाददाता अतुल भी वहां पर मौजूद है, भोपाल की तस्वीरें हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है बीजेपी का दामन थाम लेंगे, और देखिए तस्वीरें, क्या मामला रहा, क्यों नाराजगी रही, अंदर लेके चले जा रहे हैं। और सुरेश जी क्या देखिए तस्वीर, देखिए ये तस्वीर बता रहे हैं, सुरेश जी लंबा समय रहा, क्या क्या नाराजगी रही आप? मैं अंदर बात करूं तो तस्वीरों में आप देखते हैं सुरेश जी पहुंच रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंदर लेके जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर करना होगा। अतुल ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है क्या, और शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए, तो क्या माना जाए कि थोड़ी देर बाद बीजेपी के दामन थाम लेंगे सुरेश पचौरी? शिवराज अतुल देखिए बिल्कुल ये अब अंदर पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर बाद बीजेपी का दामन थाम लेंगे। हालांकि अब कुछ देर के लिए बीजेपी लगता जरूर दूर कर लिया है, तमाम लोग मीडिया को दूर कर दिया है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि एक बड़ा झटका कांग्रेस को इस समय लगने जा रहा है, और इस झटके में राजू गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और सुरेश पचौरी दोनों अभी फिलहाल क्या ये दो ही चेहरे वहां पर देखने को मिल रहे हैं? अतुल क्या और कोई चेहरा भी इनके साथ में मौजूद है, या फिर पहले से ही कोई वहां पर मौजूद हो चेहरा? देखिए बिल्कुल अभी तक सिर्फ यही दो चेहरे जो हैं अभी अंदर देखने को मिल रहे हैं, और दोनों ही बात चल रही है दोनों नेताओं के बीच में, अंदर पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद सीधे तौर पर ये माना जाएगा कि सरकार गिराई जाएगी। हालांकि देखिए मैं आपसे बाप हम इसी बात को लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जब कोई बड़ा चेहरा ज्वाइन करता है तो उसके साथ में ये जरूर मान के चला जाता है कि नाराजगी तो चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ में ये भी मान के चला जाता है कि कई बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस के जो सुरेश समर्थक हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंच रही है, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और पूजा अर्चना के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दोनों ही यानी गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और सुरेश पचौरी दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद ये दामन थाम लेंगे बीजेपी का। और तस्वीरें बता रही है कि जिस तरीके से जो बीजेपी ने मिशन चलाया हुआ है उस मिशन में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल होते हुए दिखाई दे रही है, एक बड़ा विकेट आज कांग्रेस का गिरा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो न्यूज स्टेट जिस तरीके से बता रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि शामिल हो सकते हैं, देखिए अब उस पर तो मोहर लग गई है अतुल, कि अब यहां पर सुरेश पचौरी देखिए पहुंच चुके हैं, तो वाकई में अब से इंतजार बस थोड़ा सा और करना होगा, उसके बाद अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूजा अर्चना के बाद यहां पर दामन जो है वो थाम लेंगे बीजेपी का, लेकिन वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव से पहले। दिग्गज भी अंजलि के मंच पर नजर आ रहे थे कि वीडी शर्मा पहुंच गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय
सैनी है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है, अतुल और भी बीजेपी के नेता पहुंचने वाले हैं, नरोत्तम मिश्रा भी नजर आ रहे हैं, पूर्व गृहमंत्री मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे थोड़ी देर में अतुल। देखिए बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पे हैं और तमाम जो बड़े चेहरा है वो यहाँ पे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के बीच में कैलाश जी एक बड़ा विकेट गिरा आज कांग्रेस का। अरे यार तो छोड़ो, कैलाश जी एक बड़ा विकेट गिरा सर आज, और गिरेंगे आप देखते जाइए, अभी और भी गिर रहे हैं सर, लाइन में और भी बड़े चेहरे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो देखिए यार कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देके जा रहे हैं विजयवर्गीय जी सर, एक बड़ा विकेट गिर गया सर आज, स्वागत है उनका। तो ये तमाम देखिए विजयवर्गीय साफ तौर पे एक्सक्लूसिव बात में ये कह रहे हैं कि अभी और भी लोग लाइन में हैं। बीजू शर्मा जी आप तस्वीरों में, कांग्रेस में तो स्थान नहीं है तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और भी लाइन में हैं बहुत लोग हैं, आप चिंता मत करिए, चेहरा और भी दिखेंगे ऐसे ही, जल्दी देखते जाइए। देखिए ये एक बड़ा जो है बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता कि और भी लोग लाइन में हैं, और भी लोग जो है कहीं ना कहीं देखिए अतुल फर्क तो पड़ता है। ये हमने उस दौरान की तस्वीरें देखी है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और किस तरीके से कांग्रेस की स्थिति उस समय हो गई थी और तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं उस स्थिति को कांग्रेस संभाल नहीं पाई है। अब लगातार यहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अगर पार्टी छोड़ रहे हैं इसका असर तो देखिए बाकी अन्य नेताओं पर भी पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस इसको वहीं पर संभाल लेती है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, लेकिन स्थिति फिलहाल कंट्रोल में कांग्रेस के अब रही नहीं है। अतुल तो देखिए तस्वीरें गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और सुरेश पचौरी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका, एक के बाद एक कांग्रेस को जो विकेट है वो मध्य प्रदेश में गिर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक तरह से ये कहें कि अस्तित्वहीन मध्य प्रदेश में होती जा रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतुल तस्वीरें दिखाइए, क्या अपडेट है फिलहाल, क्या देख पा रहे हैं? और गजेंद्र सिंह ये लोग अंदर पहुंच चुके हैं, अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी हैं और इसके साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंदर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मीडिया से चर्चा करेंगे और उसके बाद आखिर क्या वजह रही, क्यों कांग्रेस मोह भंग हो गया, तमाम जो नेता हैं वो बताते हुए दिखाई देंगे। देखिए इस समय अगर हम देखें तो सुरेश पचौरी के समर्थक जो है वो भी यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कैलाश मिश्रा जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, कई विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी कैलाश विजयवर्गीय के साथ यहाँ पे जो है सुरेश पचौरी के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरता दिलवाते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं हम इस तस्वीर को देख सकते हैं और इस बात को कहीं ना कहीं इस बार मंथन का दौर कांग्रेस के अंदर अब शुरू हो जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा और क्यों इस कारण कितना बड़ा झटका क्यों लगा, आखिर क्या नाराजगी थी और नाराजगी अगर थी तो कांग्रेस से आला कमान कोई भी बड़ा नेता छोड़ता है तो उसके साथ जो समर्थक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, हर नेता का अपना एक समर्थक होगा। देखिए पता लग जाएगा एक घंटे बाद, पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, चिंता मत करिए। उसमें क्या कैओस है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी एक विचारधारा है और विचारधारा समाप्त हो चुकी है, विचारधारा के नाम पे तुष्टिकरण चल रहा है, विचारधारा के नाम पर जातियों में बांटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेके चलने चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देखो मैंने पहले ही कहा था, देखिए तो एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय उनको भी सुना। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अतुल बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। अतुल फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और कितनी देर का इंतजार और करना होगा जब ये सदस्यता लेंगे बीजेपी की? देखिए बिल्कुल अभी समय का ज्यादा इंतजार नहीं है क्योंकि देखिए तमाम जो नेता हैं वो इस समय अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह
राजू खेड़ी के साथ कैलाश जो मिश्रा जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, ये तमाम जो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी लीडरशिप में माने जाते थे, वो इस समय बीजेपी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। सुरेश पचौरी कई ऐसे समर्थक हैं जिनमें अतुल शर्मा का नाम भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर। सर सर एक बड़ा झटका, सर बड़ा झटका जो है लगा है क्या, और कौन कौन लोग? संजय शुक्ला जी आ गए हैं, कैलाश मिश्रा जी हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। सर और सुरेश पचौरी जी आ चुके हैं। सर और कौन कौन से चेहरे? और भी लोग आ रहे हैं। सर क्या नाराजगी, सर क्या बोल के क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर भरोसा है, ये कहकर भारतीय जनता पार्टी के मंच से वो आगे की सेवा करेंगे। सर आगे भी ऐसे ही और देखने को मिलेगा, देखते जाइए। देखिए जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता उनकी बॉडी लैंग्वेज सीधे तौर पर देख रहे हैं, देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर कहा कि आगे और भी विकेट गिरेंगे, इसके साथ में वीडी शर्मा ने भी यही कहा कि और भी विकेट गिरेंगे। तो बिल्कुल, लेकिन अतुल 2022 की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान ये कहा गया था संजय शुक्ला की ओर से कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला, लेकिन अब जाकर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यानी कि ये हम लगातार ये कहना गलत भी नहीं होगा कि मनमुटाव बहुत पहले से चल रहा था, ऑफर बीजेपी बहुत पहले से देती हुई आ रही थी कांग्रेस के नेताओं को। वो अलग बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने उस समय वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया, लेकिन अभी जैसा जिक्र किया गया था कि संजय शुक्ला भी वहां पर पहुंच गए हैं, क्या ये स्पष्ट है कि अब संजय शुक्ला भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में? देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता है वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि संजय शुक्ला भी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं, वो भी जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। देखिए जिस तरीके से नाराजगी की बात जो सामने निकल के आ रही है, ये जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग लगी रहती है, और ये आग अभी की नहीं है। देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से सुरेश पचौरी कहीं ना कहीं दूरी बना के बैठ गए थे, और पार्टी के तमाम जो बड़ी बैठकें हैं उसमें नाराज दिखना शुरू हो चुके थे, तो उस समय से ये कयास लगाना शुरू हो चुका था कि सीधे तौर पर ये नाराजगी चल रही है। लेकिन देखिए नाराजगी के बाद कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये जो 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 कदम नहीं उठाए गए कि ये तमाम जो नेता हैं जो पार्टी कार्यक्रम से दूरी बना चुके हैं, जो पार्टी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा की जाए, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी कैबिनेट के माने जाते हैं सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह। लेकिन अतुल की खबर मिल रही है कि संजय शुक्ला, सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी के अलावा विशाल पटेल, अर्जुन पालिया और भोपाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी भाजपा का दामन आज थाम सकते हैं। लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, आप चिंता मत करिए। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये बाकी सभी नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, और अब तो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया, वीडी शर्मा की ओर से भी कहा गया कि और भी विकेट गिरेंगे। तो देखो मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावना है। ठीक है, विनोद हमारे साथ, विनोद शर्मा ग्वालियर से जुड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। विनोद खबर ये भी मिल रही है कि संजय शुक्ला, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और सुरेश पचौरी के अलावा अर्जुन पालिया, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और भाजपा और विशाल पटेल भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के ये बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के लिए भी
अब ये बहुत गंभीरता का विषय बन गया है कि आपकी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो मूल रूप से कांग्रेसी थे, जिनके जो ये भाषण देते थे, कहते थे कि मेरे तो रक्त में कांग्रेस है, मैं तो जन्म से कांग्रेसी हूं, वो लोग भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो अब आप इस पर विचार मंथन करने की जरूरत नहीं, बल्कि रूठे हुए लोगों को मनाने की जरूरत है। वक्त बहुत बीत चुका है, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में इतने बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ के जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम दूसरा पक्ष इसको देखें तो ये वो नेता है जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया बावजूद जिसके ठीक है आपको रोकती हूं मैं, विनोद रोकूंगी आपके पास, लौटूंगी वापस। अतुल का एक बार रुक कर लेते हैं। अतुल, क्या हलचल है अभी? देखिए बिल्कुल, तमाम जो नेता हैं वो इस समय बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के केबिन में तमाम जो नेता हैं उनके बीच चर्चाएं चल रही है। जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं तो तस्वीर में सबसे पहले मैं स्पष्ट ये कर दें कि यहाँ पे आखिर कौन कौन से नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान इस समय अंदर मौजूद है, कैलाश विजयवर्गीय अंदर मौजूद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस समय अंदर मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से सुरेश पचौरी जो है इस समय केबिन के अंदर मौजूद है, गजन सिंह राजू खेड़ी इस समय मौजूद है, कैलाश मिश्रा इस समय अंदर मौजूद है। तमाम देखिए ये वो नाम है कांग्रेस के जो लंबे समय से सियासत कांग्रेस की तरफ से कर रहे थे, कई महत्वपूर्ण पद में रहे, कई चुनाव उन्होंने लड़े और लड़ने के बाद कई चुनाव जीते भी। हालांकि देखिए सुरेश पचौरी का जो इतिहास रहा है उसमें राज्यसभा सांसद के माध्यम से उनको दिल्ली पहुंचाया गया, कई महत्वपूर्ण पद दिए गए। देखिए नाराजगी क्यों है, इस नाराजगी का कारण क्या है और बीच कांग्रेस के अंदर चूक कहां से हुई, इस बात को समझना होगा। देखिए जिस तरीके से सुरेश पचौरी को लंबे समय से एक हसीये पर लगाया हुआ था, डाला हुआ था, कोई महत्वपूर्ण पद इसको है, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कम से कम 5 साल से सुरेश पचौरी को कोई महत्वपूर्ण पद उनको नहीं दिए गए थे। इसके साथ में नाराजगी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। गजन सिंह की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं चुनाव जीवी आदमी है और चुनाव के बीच में जब लड़ने की मंशा रखी गई तो ऐसे दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस से मनमुटाव हुआ। हालांकि उस दौरान क्योंकि विधानसभा चुनाव थे तमाम बड़े नेताओं ने बात भी करी और उन्हें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो जो जख्म था वो जख्म भर नहीं पा रहा था और खासतौर पर सुरेश पचौरी का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सुरेश पचौरी कि हमने सियासत की स्टाइल देखी है, सोनिया कैबिनेट के मेंबर रहे, एक समय मध्यप्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर उनकी तूती बोलती थी, जिनको पद देने का वो वचन देते थे उनको वो पद दिया जाता था। सुरेश पचौरी का जो निर्णय है मध्यप्रदेश में अंतिम निर्णय के रूप में लिया जाता था क्योंकि दिल्ली दरबार के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन जब से कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्यप्रदेश में अध्यक्ष उनको बनाया गया, मध्यप्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। तमाम कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता थे, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने टिकट बेचने का विधानसभा में उनको आरोप लगाया गया। उसके बाद से सुरेश पचौरी की जो सियासत है उसमें यू टर्न आया गया और उसके बाद से उन्हें हसीये पे ला दिया गया। हालांकि देखिए एक दिल्ली आलाकमान ने कभी यह व्यक्त नहीं किया, ये जाहिर नहीं किया कि सुरेश पचौरी से नाराज चल रहे हैं। तमाम मुलाकातें भी होती थी, सोनिया गांधी से भी चर्चा होती थी, राहुल गांधी से भी मुलाकात करते थे, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो दूरी थी वो दूरी खत्म होने का नाम नहीं हो रही थी और सीधे तौर पर वो दूरी कहीं ना कहीं उस समय और बढ़ गई जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से निकल रही थी और सुरेश पचौरी को कोई अहम रोल नहीं दिया। उसके बाद से हम देख रहे थे कि सुरेश पचौरी सीधे तौर पर दिल्ली में बैठे रहे, 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर थी 2 तारीख से, उसके बाद 20 तमाम यात्रा के बीच में सुरेश पचौरी नदारद रहे। ये नदारद की जो कहानी थी कहीं ना कहीं सस्पेंस के रूप में भरा हुआ था कि आखिर जो समर्थक थे उनका यह कहना था कि सुरेश पचौरी अस्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी पटकथा लिखी जा रही थी, वो पटकथा वो दिल्ली में लिखी जा रही थी। उतने दिनों से सुरेश पचौरी दिल्ली में थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े जो नेता है उनसे संपर्क साधते हुए दिखाई दे रहे थे और हुआ भी यही, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उस पटकथा का जो अंत हुआ वो इसी में हुआ कि सुरेश पचौरी अब बीजेपी के होने जा रहे हैं, कमल का दामन थामने जा रहे हैं, कमल की विचारधारा से जुड़ने जा रहे हैं, जो एक लंबे समय से हाथ का पंजा थाम के चल रहे थे अब वो कहीं ना कहीं कमल अपने हाथ में लेके कमल के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ में गजेंद्र सिंह राहुल राजू खेड़ी की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर एक बड़ा नाम माना जाता था, सियासत के कद्दावर नेताओं में कहीं ना कहीं राजू खेड़ी का नाम भी लिया जाता था और कहा जाता था कि राजू खेड़ी भी कहीं ना कहीं दिल्ली आला कमान और मध्य प्रदेश की जो तमाम जो बड़े नेता हैं जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है, कमलनाथ का नाम भी शामिल है, सुरेश पचौरी का नाम भी शामिल है, इन तमाम जो नेता है उनके समर्थक उनके करीबी और उनके जो है किचन कैबिनेट के मेंबर के रूप में राजू खेड़ी को देखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का एक पूरा एपिसोड निकला तो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराजगी होते हुए दिखाई दे रहे थे। बहरहाल नाराजगी अब बीजेपी का दामन थाम के दूर हो रही है और सीधे तौर पर यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से सुरेश पचौरी से या सुरेश पचौरी के समर्थक
विधायकों से जब हमारी बात हुई तो सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि मध्य प्रदेश में या कांग्रेस की दिल्ली जो है अब रीति नीति नियत से भटक चुकी है। जिस नीति और नियत के साथ कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा था या कांग्रेस की जो राजनीति करते थे वो नियत कांग्रेस की बदल चुकी है, इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी पहले से ही कहती आ रही है कि बीजेपी की रीति नीति से ही प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी विनोद, लेकिन जैसा कि अतुल जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत पहले ही इस पर मंथन कर लेना चाहिए था, लेकिन अब अस्तित्व क्या है मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में, या फिर जहां जहां कांग्रेस की सरकार अभी फिलहाल बची हुई है, कैसे आगे चलेगा, कैसे सारी चीजें होंगी। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कांग्रेस की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, मध्य प्रदेश में क्या अस्तित्व है। कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कोई राजनीतिक दल का अस्तित्व खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश की नहीं बल्कि देश की एक बड़ी पार्टी है और कुछ राज्यों में सरकार भी है, कर्नाटक में सरकार, हिमाचल में सरकार, मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 66 विधायक कांग्रेस पार्टी की। हालांकि संजय शुक्ला जैसे एमएलए पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं तो कुछ विधायकों की संख्या आने वाले दिनों में कम हो सकती है, लेकिन एक बड़ा दल है अभी भी, रूट लेवल पे कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है कार्यकर्ता, लेकिन अगर कोई भी एक वरिष्ठ नेता, एक बड़ा चेहरा अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तो बाकी अन्य लोगों के माइंडसेट पर वैसा असर जरूर डालता है वो। लेकिन अब चूंकि भले ही बड़ी पार्टी कांग्रेस रही हो लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व डगमगाता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा जरूर कम होता है, और क्या ऐसा हो सकता है कांग्रेस में। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा अंतर है, ये सवाल जो आपका है ये बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुलना करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में अगर एक जिलाध्यक्ष भी पार्टी छोड़ने का विचार करे तो बीजेपी का प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व उस तक अपनी पहुंच बना लेता है और तुरंत उसकी बात सुन के उस पूरे विषय को शॉर्ट आउट करता है। लेकिन ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा, तो इसके मायने ये है कि पार्टी की लीडरशिप ऊपर से ही कमजोर है और निर्णय लेने में और अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने में काफी लापरवाही बरती जा रही है, या यूं कहें कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेता जो सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे, राजीव गांधी ने उनको कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनवाया, राज्यसभा सांसद बनवाया, मंत्री भी बनवाया, लेकिन बावजूद इसके अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक विचार टूटकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप सुरेश पचौरी को समझें तो ये वो नेता है जिनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से लेकर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, 4 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2-3 बार बड़े बड़े मंत्रालय के मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे। अब इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में सुरेश पचौरी को क्या मिलेगा। सुरेश पचौरी अपने सियासत के आखिरी दौर की राजनीति कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस दौर में पार्टी छोड़ने के क्या मायने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो सुरेश पचौरी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती ना ही मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि एक से एक दिग्गज आने वाले भविष्य में बीजेपी के पास है। बिल्कुल, ये केवल बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की एक कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। और देखिए ऑफर ये अभी नहीं दिया गया, बहुत पहले से ही ऑफर चल रहा था, बहुत पहले से ही ऑफर दिया गया था। चाहे हम संजय शुक्ला की अगर हम बात करते हैं या फिर सुरेश पचौरी की बात करते हैं और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी की बात करते हैं, उन्होंने तो इस्तीफा भी देखिए विधानसभा चुनाव होने से पहले ही सौंप दिया था जब उनको टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि वो कमलनाथ उनकी मुलाकात होती है और बाद में फिर वो अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। और देखिए लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, चूंकि सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ सहयोगी हमारे न्यूज रूम से सीधा शिवम भी जुड़ गए, उनके पास हम लौटेंगे, लेकिन वीडी शर्मा की ओर से क्या कहा गया वो आपको पहले सुनवाते हैं। सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत है और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा है, राहुल जी भी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं
वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है, और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अभी आपको 11 बजे पता लग जाएगा, एक घंटे बाद, पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, चिंता मत करिए। मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई कांग्रेस को, अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे। तो देखिए, बहुत पहले से ही ये बीजेपी के नेता कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस की दिशा नहीं है, दिशाहीन इस समय कांग्रेस हो गई है। और ये देखिए, एक बार बता देते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, बीजेपी में देखिए अब सुरेश पचौरी पहुंच चुके हैं। 1972 में भारतीय युवा कांग्रेस के मेंबर वो बने, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तौर पर राजनीति में उन्होंने एंट्री ली थी। शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ग्वालियर से हमारे साथ विनोद, और अतुल भोपाल से जो कि पल पल की अपडेट और वहीं पर मौजूद हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम हमने गिनवाए हैं, संजय शुक्ला का नाम उसमें चल रहा है। शिवम, आपके पास मैं आऊंगी, अपडेट अभी फिलहाल क्या आपके पास आ रही है? देखिए अंजलि, एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक के पीता है। अगर ये गलती कांग्रेस पार्टी ना करती तो ऐसा नहीं होता। मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूं साल 2020, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। कारण क्या था बीजेपी कांग्रेस छोड़ने का ज्योतिरादित्य सिंधिया का? कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में खूब उन्होंने मेहनत की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्होंने दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, और उनके जो करीबी विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में खास तवज्जो नहीं मिल रही थी। बात क्या थी, नाराज थे कांग्रेस संगठन से, आलाकमान से, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में भी प्रवेश किए, बीजेपी ज्वाइन की, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 2020 में बनवाई थी। कमोबेश वही हाल सुरेश पचौरी के साथ, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के साथ, संजय शुक्ला के साथ, और जो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके साथ हो रहा है जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कि यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने इनके कैलिबर को देखते हुए इनको तवज्जो नहीं दी और ये नेता अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और सोचिए 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज अगर कांग्रेस में नहीं रहेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे काम करेगा? कार्यकर्ता का मोरल डाउन होना स्वाभाविक है, और इससे पहले कांग्रेस को एक जिस तरह से मेंटली एक झटका है, और कांग्रेस को 2024 में इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और देखिए, न सिर्फ इसमें सुरेश पचौरी का नाम सामने आ रहा है, राजूखेड़ी का नाम सामने आ रहा है, बल्कि कांग्रेस नेता संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ी देर पहले कहा है कि इंदौर से 11 बजे एक बड़ा दल आ रहा है जो बीजेपी ज्वाइन करेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास मैं शिवम, आपके पास मैं लौटती हूँ, एक बार अपडेट में ले लेती हूँ अतुल से। अतुल, तस्वीरें अभी फिलहाल क्या है? और 11 बजे का देखिए, कैलाश विजयवर्गीय समय दे रहे थे कि 11 बजे तक रुक जाइए, और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं। चलिए, आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही है। जिक्र आप कर रहे थे विनोद की, फिलहाल तो कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए था लेकिन अभी सोचा नहीं, लेकिन अभी क्या समय है कांग्रेस के पास ये मंथन करने का कि अभी मंथन नहीं किया गया तो हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग जाए। हालांकि ये झटका है लेकिन और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं, कैसे मनाएगी कांग्रेस उनको और कितना मंथन करने की अभी फिलहाल जरूरत है?
बिल्कुल देखिए अंजलि, कोई भी राजनीतिक दल एक विचार है और विचार पर मंथन और चिंतन करने का समय हमेशा पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के पास रहता है। कांग्रेस इस काम को पूरी गंभीरता से नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं देखिए कोई तो नाराजगी है जो 2020 से ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गजों के बीच चली आ रही है। चर्चा जिनकी बीजेपी में जाने की चल रही थी, कमलनाथ की, वो तो नहीं गए, लेकिन जिन्होंने गोपनीयता बनाए रखी वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सुरेश पचौरी उसमें एक बड़ा नाम माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी सुरेश पचौरी पिछले लंबे समय से पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से नाराज थे या नहीं थे, लेकिन वो शांत जरूर थे पर उन्होंने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष हटाने के बाद कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की रही कि सुरेश पचौरी पर कई गंभीर आरोप रहे विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो आरोप क्या थे वो भी कांग्रेस पार्टी ने उजागर नहीं किए। कहीं ना कहीं देखिए एक जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो अपने किसी भी स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी एकाग्रता या यूं कहें सक्रियता से काम नहीं कर रहा। जो जहां जैसा हो रहा है उस पर कोई गंभीरता से न तो विचार कर रहा, न चर्चा कर रहा, न एक्शन ले रहा। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे थे कि दिशाहीन पार्टी हो गई है, तमाम दिग्गज नेता बीजेपी में आ रहे हैं और भी आगे आएंगे, तो इसके मायने यही है कि केंद्रीय नेतृत्व आखिर इस पार्टी को लेकर चाहता क्या है। क्या सिर्फ विचार बनाने से ही पार्टी बनी रहेगी कि विचार के नहीं है इसलिए जा रहे हैं? पार्टी एक कार्यकर्ताओं की, लोगों की एक टीम होती है, कार्यकर्ताओं की टीम होती है जो पार्टी को मजबूत बनाती है और चुनावों में काम करती है, सफलता दिलाती है। तो ये कांग्रेस की कमजोरी अब दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आप बड़ा अंतर देखिए। बीजेपी ने अपने 3 नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नाराजगी अंदर रही, बड़े नेताओं में किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। और यहाँ राहुल गांधी की यात्रा में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली तो बड़े दिग्गज पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। ये आखिर किस तरह का विचार इनके अंदर पनप रहा है, ये तो मंथन और चिंतन की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई में ये मंथन की चिंतन की जरूरत है भी, क्योंकि ये अब जरूरी भी हो गया है। जैसे जैसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे, वरिष्ठ नेता अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो वाकई में सब कुछ ठीक इस समय नहीं चल रहा है। और अतुल, लेकिन 6 दिन की यात्रा रही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की, लेकिन उस 6 दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने वोट नहीं मांगा और ना ही उन लोगों को जिम्मेदारी उस यात्रा में दी गई जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। यानी कि जैसा कि बीजेपी पहले कहती हुई आ रही थी कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार तक ही सीमित रह गई है, क्या ये अब सत्य या फिर ये सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? वहीं तक क्या कांग्रेस पार्टी अब सिमट गई है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी ने जो मध्य प्रदेश में जब यात्रा से निकले और यात्रा में लोगों से जरूर चर्चा करी, लेकिन वो नेता जो कहीं ना कहीं पार्टी से या करीबी थे, पार्टी के बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, लेकिन पार्टी जो न्याय यात्रा के दौरान दिखाई नहीं दिए, तो उनको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राहुल ने आकर ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि आखिर ये तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के आलाकमान अगर यहां से निकल रहे हैं, आलाकमान नेता जो यहां से निकल रहे हैं उस दौरान अगर यात्रा में नहीं है तो आखिर क्या कारण रहा। देखिए जिस तरीके से तमाम जो नेता है जो पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें मैं बात कर सुरेश पचौरी का जिक्र ही नहीं, तमाम वो नेता जो पिछले 5 महीने से पार्टी छोड़ के जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जबलपुर के महापौर सहित तमाम कई ऐसे पूर्व विधायक रहे हैं, कई ऐसे पूर्व जो है बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उन तमाम जो नेता है उनका दर्द यही झलकता हुआ दिखाई दिया। दर्द था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में कांग्रेस समट के रह चुकी है, तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जमीनी स्तर तक लेकर धरने से लेकर डंडे और डंडे से लेकर आंदोलन तक तमाम लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर पूछपरख कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये नेताओं का दर्द झलकते हुए हमें दिखाई दिया और आज भी कहीं ना कहीं यही देख रहा है। देखिए जिस तरीके से सुरेश पचौरी से बात की, सुरेश पचौरी भी स्पष्ट तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस की रीति नीति नियत थी, जो नियम थे, जिस नियम के जो के तहत उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था या कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, उस नियम से वो भटक चुकी है, तो इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो हालांकि देखिए यहाँ पे भी वही दर्द झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये कहीं ना कहीं खोज का विषय है। कारण इसके पीछे कारण क्या है? और दूसरा एक और सवाल मेरा यहाँ पर यह भी रहेगा अतुल, कि आखिरकार कौन सी वो जिम्मेदारी कांग्रेस में मांग रहे थे सुरेश पचौरी जो उनको नहीं दी गई? क्या कोई और उनकी डिमांड थी जिसको पूरा नहीं किया गया, उसको अनदेखा किया गया? यही बात संजय शुक्ला पर भी लागू होती है या फिर गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी पर भी लागू होती है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से सुरेश पचौरी को एक अहम किरदार से दूर कर दिया गया, यानी कि जो एक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी के तौर पे होनी थी या एक बड़े नेता के तौर पे होनी थी, कहीं ना कहीं उनको हसीये पे ला दिया गया। उस हसीये पे लाने का कारण कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी चलती है, खेमेबाजी चलती है, और खेमेबाजी का जो खामियाजा है कांग्रेस ने शुरू से भुगता है, और कांग्रेस इस स्थिति तक पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा कारण खेमेबाजी भी रहा है। तो सीधे तौर पर कमलनाथ जब मध्यप्रदेश के अंदर पावरफुल हुए और मध्यप्रदेश के अंदर जैसे ही उनकी एंट्री हुई, तो कहीं ना कहीं वो नेता जो दूसरे खेमे से आते थे तो उनको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया गया। देखिए सुरेश पचौरी को अगर हम देखें 2018 के पहले का कार्यकाल अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सुरेश पचौरी धीमे धीमे ज्योतिराज सिंधिया के करीबी माने जाने लगे थे, ज्योतिराज सिंधिया के साथ माने जाने लगे थे, उनके समर्थक के रूप में उनकी गिनती होने लगी थी। लेकिन सीधे तौर पर जब ज्योतिराज सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा तो उसके बाद से ही सुरेश पचौरी को हसीये पे ला दिया गया और सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण पद से दूर कर दिया गया। तो कुल मिला के ये क्या इसके पीछे यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी पार्टी से। ठीक है अतुल, तस्वीरें कुछ और दिखा रहे हैं, ये देखिए कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और वाकई में हलचल तो इस समय ये है। सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो आपको दिखवाते हैं तस्वीरें। तो सीएम मोहन यादव जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ये बीजेपी दफ्तर में वो इस समय पहुंच गए हैं और ये संजय शुक्ला देखिए पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस समय हलचल काफी ज्यादा तेज है, खुशी का माहौल जहां एक तरफ बीजेपी में है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये जो सियासी हलचल है और जो उठापटक का दौर जारी है उसे कांग्रेस को अब सोचना चाहिए। जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस को मंथन करने की समय बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है और एक बड़ा झटका कांग्रेस को इस समय लगा है। सुरेश पचौरी की तस्वीरें आपको दिखाई, हालांकि वो बहुत पहले से ही ये मन बना चुके थे कि उनको शामिल होना है, उनको ऑफर भी दिया गया था। शिवम हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। शिवम अपडेट क्या है, क्या कोई अपडेट, क्या कोई सूत्र अभी तक आपके पास सामने आ रहे हैं? नाम जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो नाम क्या अब बीजेपी दफ्तर में पहुंच सकते हैं, क्या लगता है, या फिर वो चेहरे उसके अलावा क्या कोई और कार्यकर्ता? देखिए सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी दोनों अभी भोपाल बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर बाद बीजेपी की सदस्यता वो ले लेंगे। उसके अलावा इंदौर से एक बड़ा दल कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का आ रहा है, जो कि आज ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगा, ये बात कही है कैलाश विजयवर्गीय ने। ऐसे में अंजलि सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुरेश पचौरी गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का कांग्रेस बीजेपी में शामिल होना, कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत नहीं है? ठीक है लौटूंगी आपके पास। तो ये कुछ तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें आ रही हैं और हालांकि बीजेपी दफ्तर के बाहर की कुछ तस्वीरें जरूर हैं और ये देखिए ये शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ ही सुरेश पचौरी हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ, वीडी शर्मा देखिए साथ में ही मौजूद हैं। अतुल क्या तस्वीरें? अतुल बताइए तस्वीरें वहां पर मौजूद अभी फिलहाल कौन कौन से नेता हैं? अतुल आवाज मिल रही है आपको? लगता आवाज जी, अतुल बोलिए आप। तो देखिए मंच की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं और वीडी शर्मा मंच पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर इस समय पहुंच गए हैं, यानी कि बड़े नेताओं की मौजूदगी में सुरेश पचौरी और साथ ही अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, वो बीजेपी का दामन बस थामने वाले हैं और उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा बीजेपी में दफ्तर में। इस समय सभी लोग मौजूद हैं, बड़े चेहरे मौजूद हैं और साथ ही हलचल इस समय काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो मध्य प्रदेश की सियासत अब लगातार काफी ज्यादा तेज होती जा रही है, सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है और ऐसे में हालांकि बातचीत देखिए मंच पर जरूर हो रही है, आपसी बातचीत वहां पर की जा रही है और कौन मौजूद रहेगा मंच पर वो भी बताया। सुरेश पचौरी को देखिए मना रहे हैं कि आप भी साथ में ही मंच पर मौजूद रहिए, जैसा कि इन तस्वीरों से प्रतीत हो रहा है। लगातार वहां पर मौजूद हमारे सहयोगी हैं, अतुल भी वहां पर मौजूद हैं, अन्य मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तो वाकई में ये जो खबर है इस समय
सियासी हलचल जिसको लेकर पैदा हो रही है मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से सामने आ रही हैं। हालांकि आज देखिए मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा जरूर है, हरियाणा का दौरा उनका है, हरियाणा और दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले ये जो जरूरी काम है वो यहां पर करना है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के नेताओं को सदस्यता दिलवानी है। जो कांग्रेस का दामन छोड़कर जिनमें से सुरेश पचौरी का नाम सामने आ रहा है, सुरेश पचौरी देखिए मंच पर मौजूद है, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, और हालांकि कुछ और नाम भी चर्चाओं में जरूर है, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अब बीजेपी की ली जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि आदरणीय पटौरी जी राजीव गांधी जी सोनिया जी के भी अत्यधिक निकट हैं, और जो पदयात्रा में निकले हैं उस समय कैसे कांग्रेस टूट रही है इसके आप लोग साक्षी हैं। मैं निवेदन करूंगा अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, तो वो अन्य वस्त्र पहनाकर माननीय कचोरी जी का स्वागत करें। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय भाई साहब बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अन्य वस्त्र पहनाकर कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करूंगा, बहुत बहुत वो भी अन्य वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। भाई स्वागत है कार्यकर्ता जो बाकी खड़े हैं, जोरदार जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों आज माननीय पचौरी जी के साथ ही हमारे जनजाति वर्ग के बड़े नेता, धार के पूर्व सांसद बाकी सबके आदरणीय गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इंदौर के पूर्व विधायक हमारे परिवार के ही घर वापसी, मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी स्वागत पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अन्य वस्त्र पहनाए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अन्य वस्त्र पहना से स्वागत आइए संजय वाह विशाल श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक मन संजय के बाद में विशाल पटेल जी, बहुत स्वागत सभी का। पूर्व विधायक आदरणीय अर्जुन पलिया जी, आप पलिया जी आगे निकलो। माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन है, अन्य वस्त्र पहनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अन्य वस्त्र पहनाए। और बता दो ऑर्डर भी और दिलवा दिलवाइए अभी दूसरा खेल जल्दी आने वाला। हजारों की संख्या में चल रहे आदरणीय पूर्व विधायक अर्जुन पलिया जी, श्री अशोक राजौरिया जी से भी निवेदन है। अशोक संतोरिया जी से जबलपुर से ये उम्मीदवार थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी थे। हमारे भोपाल के ही अपन सबके भोपाल पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कैलाश जी आइए प्रदेश अध्यक्ष जी बी डी शर्मा जी, आदरणीय मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, सभी उनका अन्य वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय सत्यपाल पलिया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के पलिया जी का स्वागत है। आदरणीय मोहन शर्मा जी महासचिव कांग्रेस के, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय अतुल शर्मा जी, उनका स्वागत वंदन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन, बहुत बधाई। योगेश्वर शर्मा जी बहुत बधाई। आदरणीय दिनेश ढोले जी जनपद के डायरेक्टर हैं,
और सुभाष यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष है। आगे बिल्कुल बधाई आदित्य जी, मदन सिंह, बधाई सिंह जावरा, मदन सिंह जावरा जी भी हमारे धार से है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उनका अर्घ्य वस्तु पहनाकर मदन सिंह जी का स्वागत कर सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, योगेश शर्मा उज्जैन से आए हुए, योगेश शर्मा, योगेश शर्मा मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी ना, सुभाष यादव भाई स्वागत है भाई साहब, आप भी पहनना है पहनना भाई साहब डाल अपन लोगों को महेंद्र जी वाला एक महेंद्र जी को डाल प्रभारी जी भाई साहब थोड़ा सा देना भाई वाह मैं भी आपको वाह बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भाई साहब लगाइए बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई पीडी शर्मा जी से निवेदन है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार कई सचिव राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता है। कांग्रेस ने अगर ये कहा जाए ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर दो प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है शायद मैं ठीक कह रहा हूँ। लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और आदरणीय भाई साहब आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही आपका इसने हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है
इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करते हूँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार को। आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज श्री गजेंद्र सिंह राजू के लिए हमारे धार जिले के सांसद रहे, जनजाति क्षेत्र के बड़े नेता हैं, आज उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इंदौर के संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक, आज उनका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आलोक चंद अर्जुन पलिया जी एक्स एमएलए हमारे नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक चंदोरिया जी नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कांग्रेस के भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी अपने नर्मदापुर सुहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया जी को कहते हैं, छात्र राजनीति के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं और छात्र राजनीति में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसवाई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश ढिमोले जी जनपद मेंबर है काडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन में, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य पलिया जी, बलेश सिंह जामरा जी और राजेश आगाल जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है, और नरोत्तम मिश्रा जी इस काम में जुटे हैं पहले दिन से, तो अपने ज्वाइनिंग के वो इंचार्ज हैं। संजय पाठक जी हमारे को इंचार्ज हैं, तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इतना बड़े संख्या में और बड़ी शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोहन यादव, आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आपको ध्यान में होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही और ध्यान भी आ रहा था कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां उनके बच्चे कुछ जो काम करने के तरीके हैं उसका असर आते ही आता है, और अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व के महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है, और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहा है, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ
नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है, इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी दो चार बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गजेन्द्र सिंह राजू खेड़े, जब विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था, जोगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं तब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहां तक सारे के सारे मित्रगण, तो हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय हम तो आए थे, संजय जी आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए, हमारा तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः ये मंत्र चलते ही रहता है इसी का हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन अभिनंदन, और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, गतिशील और कल्पक मुख्यमंत्री मोहन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी, संजय जी, मित्रों, आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं, तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे, एमएससीटी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की, अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं बरसों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला कांग्रेस सही जगह थी, दो दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, चार बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का कि ऐसा नेता नेतृत्व कर रहे हैं जिनकी दिशा ही तय नहीं है कहां जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी, अभी खड़गे जी आए थे तो चिड़ गए, कहने के वो शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, सही तो है, इसमें गलत क्या है।
अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस। मैं पचौरी जी का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके आने से एक संस्कारित, एक शिष्ट, एक शालीन, ऐसी बेधा का धनी जिसने ईमानदारी पूर्वक जिंदगी भर राजनीति की है, उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी देख, सचमुच में अद्भुत समय है ये, आजादी का अमृतकाल, विकसित भारत का संकल्प। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमारी आंखों के सामने पूरा होना है और मोदी जी के पीछे आज सारा हिंदुस्तान खड़ा है। आप देख रहे हैं, अगर ये मूर्धन्य नेता बीजेपी में आ रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके, क्योंकि भारत के विश्व गुरु बनने का समय अब आ गया है और उसमें हम सब योगदान करना चाहते हैं। पचौरी जी का अंतर्मन से, अंतरात्मा से, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। वो तो मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर था उनका, अब साथ काम करने का उनके साथ मौका मिलेगा। उनके साथ गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, भाई संजय जी, हमारे विशाल जी, अब संजय और विशाल कहां पड़े थे थोड़ी तरह, लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत, घर वापसी है। हाँ, घर वापसी। कैलाश मिश्रा जी हमारे मित्र, वैसे भी हमारे समधी हैं वो, गुड्डू भैया के रिश्ते से, और हमारे परिया जी, और पूरी टीम जो यहाँ आई है, चंदसौलिया जी, आरोप जी, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और पांडा भी जसपाल जी, आज मैं सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं तो रुके ही इसलिए कि आज पचौरी जी विधायक कर रहे हैं, उनका हृदय से एक बार फिर स्वागत। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेश जी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, बधाई शुभकामनाएं मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में। और यहाँ भी मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का सुगठित संगठन है, हमारे अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, और हमारे मुख्यमंत्री जो मुझसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, भाई मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग, और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, सचमुच में तो एक अद्भुत नेतृत्व भारत को मिला हुआ है। हम सब और बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी का हम सबके चर्चे भाई, दो मिनट आप देखिए, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, राजू खेड़ी जी से श्रद्धेय हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई शिवराज जी, तो मेरे राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक श्रद्धेय पचौरी जी, हमारे चैनल तो विधायक टाइम्स भैया के संरक्षण में चला हूँ, कैलाश सूर्यवर्गी जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी प्रभारी हमारे, और संजय भाई, संजय पाठक जी, संजय भाई, विशाल पटेल जी, सभी एक आज जो आने का मुख्य मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता और हमारा प्रदेश नेता शायद सुमेर सिंह को, सोलंकी जी को कॉलेज से इस्तीफा दिलवा के सीधा राज्यसभा, अनुसैया उइके जी आज राज्यपाल। पचौरी भैया बताते थे कि कांग्रेस की तरफ से तो आज तक राज्यसभा में एक सदस्य गए ही नहीं,
एक भी आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी पार्टी में बने गए, वोट आदिवासियों का और मलाई कोई और खा जाए ये जलने वाला नहीं है। और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेता को का नीतियों को देखे आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक भी था भाजपा से, यूपीआर जी ने कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे को, शहीद विक्रम जी ने दिलवाया था, प्यारे लाल जी थे, सभी सभी टीम थे। जब से मैं था तो आज फिर घर वापसी हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार करता हूँ कि जो जिसने अपना को दिया और आपके मार्गदर्शन में सदैव मैं पार्टी के हित में काम करता हूँ। मामी सुरेश पचौरी जी से निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष परम आदरणीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री मेरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब, परम आदरणीय कैलाश विजयवर जी साहब, जिनसे हमें मंत्र सीखना है कि जो भी चुनाव लड़े तो जीता कैसे जाता, आदरणीय राहुल सिंह साहब जो इंचार्ज हैं, मेरे छोटे भाई संजय पाठक जी, राजू खेड़े जी और मेरे स्वर में स्वर मिलाते हुए, मेरे कदम के साथ कदम मिलाते हुए जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण साथी आज यहाँ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो सभी मेरे लिए बहुत मूल्यवान साथियों, सम्मानित पत्रकार साथियों, देवी और सज्जन, सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का बड़ा पावन दिन है और मुहूर्त भी बड़ा उत्तम है। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का। परतंत्रता के बिरोधों से जब मुक्त हुआ हमारा भारत तो आजाद भारत में कांग्रेस की ये परंपरा रही कि हम एक कास्टलेस, एक सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करेंगे। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है, हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं वो बड़े असहज करने वाले हो। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है मैं केवल एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा
तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहां हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने इस बात के पक्षधर रहे और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना, ये किस कार्यकाल में हुआ बोला जा सकता था। फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? और मैं साक्षी इसलिए रहा हूं कि मैं द्वित पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का दीक्षित शिष्य, मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भेजा कि शंकराचार्य जी से पूछ के आओ क्या करना है। मैं आया, पत्र लाया हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा अयोध्या में शिलान्यास हो और तत्पश्चात मंदिर बने, एक नोट भेजा। सितंबर 1989, 12 सितंबर को मैंने वो नोट दिया। राजीव जी ने जवाब दिया जिसकी प्रति मैं दिखाऊंगा 21 सितंबर 1989 को, कि मैंने वो पत्र पढ़ा और तदनुसार काम होगा। फिर उन्होंने कहा कि बोलो उनको देवरा बाबा के पास जाओ। देवरा बाबा के पास तत्कालीन गृह मंत्री के साथ वो गए, उन्होंने भी निर्देश दिए, तब शीशचंद दीक्षित और अशोक सिंघल जी वहां मौजूद थे, शिलान्यास। फिर ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे या वह पक्ष जो तय करे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, हमने उसका स्वागत किया। फिर निमंत्रण पत्र स्वीकार करने की आवश्यकता कहां से आ गई, किसके दबाव और प्रभाव में आ गई? मैंने वो सारे दस्तावेज भेजे आगे कि मैं साक्षी रहा हूं। जब चित्रकूट में संत सम्मेलन हुआ, मैं विस्तार से नहीं जानना चाहूंगा, अगली मीटिंग करूंगा, अभी दस्तावेज आप देखना चाहें इसके बाद मैं दिखा दूंगा, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह जी कृपा पूर्वक रुके हैं, इनको जाना है। बहुत विधि शुरू मुख्यमंत्री जी और शर्मा जी का है, इन्हें कट नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि ये सब की आवश्यकता क्यों है, हमारा देश धार्मिक प्रदेश देश, तो जो राजनीतिक निर्णय हो रहे थे, जो धार्मिक निर्णय हो रहे थे, वो उद्वेलित करने वाले हो रहे थे। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पीर न राम विदही तजिए ताई कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़, मैं सनातन धर्मी विधायक को संशोधित कर दो, जाके पी न राम वैदेही तब वो वोट कदापि न देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी, अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ लेकिन संकेत में बोलता हूँ, राग के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं, राग के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए, मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और पद की लालसा नहीं रही, और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं अभी भी मैं बने शत के यहां आया हूं। मेरे को कोई पद लिप्सा नहीं है, और जब मुझे दिल्ली से पूछा गया कि क्या, मैंने कहा कोई चाहत नहीं, बहुत मिलते ये चाहत हमारे यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी
और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्रीराम जी। सुरेश पचौरी समेत